सो गाइज आज एपिसोड है 7th CCC एडवांस कोर्स जो कि चल रहा है। आज उसका 7वां एपिसोड है जहां पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं सम आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशंस, यानी कि हम कुछ आईटी गैजेट्स के बारे में बात करेंगे और उनके प्रयोग क्या हैं उस पे बात करेंगे। और ये वीडियो चूंकि आईटी गैजेट्स पर है तो यहाँ पे जो है हमने एक टॉपिक जो है बहुत ही डिटेल में चुना है, वो है ड्रोन्स का, क्योंकि ड्रोन्स आजकल आप देखते होंगे तो बॉर्डर पे हमारे, जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो काफ़ी आपको चर्चा में देखने को मिलता होगा। क्यों ना मैंने सोचा चूंकि ये इसी का एक हिस्सा है तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर इस पर ज़्यादा फोकस किया इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हमेशा की तरह हम बिना बकवास किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो इमेज सामने, आप अपने सामने ये ड्रोन का जो 3D मॉडल जब तैयार किया जाता है, कोई भी जैसे चीज़ होती है, जैसे हेलीकॉप्टर की जो एरोडायनेमिक्स होती है, जो डिजाइनिंग होती है हेलीकॉप्टर की, जो हमारे विंग बनते हैं या फिर जो भी एरोडायनेमिक्स होती है, ठीक है, वो सारा कुछ जो है 3D में तैयार किया जाता है। उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो एक एक आप डिजाइन देखते हो ना, वो एक डिजाइन ऐसे नहीं है कि कोई भी डिजाइन ऐसे ही बना देगी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की या फिर ड्रोन की, ऐसी नहीं डिजाइन बना दी जाती है। उस डिजाइन के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क होता है, ऐसे ही नहीं कि बस अच्छा लगा, ऐसे हेलीकॉप्टर अच्छा लग रहा तो ऐसे बना दें, नो, उसके पीछे एक तर्क होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, तभी हम डिजाइन बनाते हैं। जैसे देखिए कुछ डिजाइनिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हेलीकॉप्टर बनाने या उससे पहले एक ड्रोन को बनाने से पहले उसके अंदर पहले ही 3D में दिखाई दी जाती हैं। तो ये आप चीज़ देख सकते हो कैसे डिजाइनिंग एक तैयार होती है। खैर चलिए अब यहाँ पे बिना बकवास किए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उस बुक को यदि आप खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार मैं आपसे जरूर कहूँगा उसको जरूर चेकआउट करें, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी उस लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जरूर बाय करें, चेकआउट करें उस बुक को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटी गैजेट्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉचेस की। तो स्मार्ट वॉचेस जो हमारी है वो भी एक आईटी गैजेट्स का ही प्रकार है, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस जो भी आप देखते होंगे हाथों में पहनते होंगे, तो आजकल स्मार्ट वॉचेस आने लगी हैं। पहले कहाँ कैसी वॉचेस आती थी जिसमें सिर्फ टाइम दिखता था, लेकिन आज हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, जैसे कि नाम ही स्मार्ट है, तो इसमें आज सिर्फ टाइम नहीं, हम जो चीज़ें फोन में अपने कर सकते हैं वही चीज़ें हम अपने स्मार्ट वॉचेस में भी कर सकते हैं। ये 300-400 रुपए से शुरू होकर के लाखों में आती हैं, ठीक है। जितना मतलब बढ़िया प्रोग्राम उसमें होगा, जितना अच्छा मतलब फंक्शन उसमें वर्क करेंगे, जितना ही महंगा या कॉस्टली होगा, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस कैन रन एप्स, स्मार्ट वॉचेस जो हैं एप्स रन कर सकती हैं, प्लेबैक ऑल सॉर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया, हर तरह के जो है मीडिया है उसको रन कर सकती हैं, जैसे ऑडियो वीडियो आदि इत्यादि, लाइक ऑडियो रेडियो, रेडियो भी बज सकता है इसमें, ठीक है। और ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन भी जो है वो इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपनी घड़ी से जो है अपना ब्लूटूथ हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ये सारे काम एक स्मार्ट वॉचेस में हो जाते हैं। मैनी ऑफ दीज वॉच हैव टच स्क्रीन्स, ज्यादातर वॉचेस में जो है टच स्क्रीन से काम होता है, ठीक है, जैसे आपके टच स्मार्टफोन होते हैं। विच अलाउज यू टू एक्सेस फंक्शन लाइक ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी कर सकते हो, थर्मामीटर भी होता है जैसे में स्मार्ट वॉचेस जो आपको फिट रखने के लिए उपयोगी होती हैं, कंपास भी होता है जो आपको दिशा बताती रहती है कि आप कहाँ पे हो, किस दिशा में खड़े हो, ये सारी चीजें एक स्मार्ट वॉचेस में होती हैं। तो हमने स्मार्ट वॉच जो है पहला गैजेट देखा। दूसरा गैजेट हमारे पास है गूगल ग्लास। तो गूगल ग्लास कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है एक जो लड़का है वो देखिए यहाँ पे जो है स्मार्ट गूगल ग्लास पहने हुए है। ये गूगल ग्लास एक बहुत ही मतलब जैसे इसको देख लीजिए एकदम ये जैसा ऐसा लगता है मंगल में पहुंच गया और एकदम चुटकी इसने दाबी और एकदम मतलब दुनिया मतलब बदल दी है ना। तो गूगल ग्लास क्या होता है, गूगल ग्लास इज अ वियरेबल यानी कि पहनने योग्य वॉइस कंट्रोल्ड एयर ड्राइड डिवाइस। ध्यान दिया जाए यहाँ पे दो चीजें मुख्य रूप से लिखी हुई है कि गूगल ग्लास जो है आवाज से आपकी कंट्रोल होती है, यानी कि आपकी वॉइस से, यानी कि आपकी आवाज से कंट्रोल होती है, और ये पहनने योग्य गूगल ग्लास होते हैं, चश्मे की तरह पहन लो और ये आवाज से कंट्रोल होती है, आवाज से। एंड्रॉयड डिवाइस, ये एक एंड्रॉयड डिवाइस है दैट रिसेम्बल्स अ पेयर ऑफ आई ग्लास, जिसमें आई ग्लास में जैसे कि आंखों में जैसे चश्मा होता है ना, वैसे पेयर यानी कि जोड़े में, तो एक चश्मे में दो जोड़े लगभग होते हैं, ठीक है ना, तो आई ग्लास होते हैं, ठीक है ना। एंड डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन, और जो है ये सूचना को डिस्प्ले करता है, तो ठीक है, तो इसमें सूचना को डिस्प्ले करता है यानी कि आप जो इससे कहोगे वो आपके जो चश्मे में ये सूचना को डिस्प्ले कर देगा, आपके जो ये मतलब गूगल ग्लास इसको कहा जाए तो गूगल ग्लास में आपकी वो चीज दिखने लगेगी, आपको ही दिखेगी। डायरेक्टली इन द यूजर्स फील्ड ऑफ विजन गूगल ग्लास, देखिए गूगल ग्लास में दिखने लगती है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे जो कुछ शेर दिखाओ, चीता दिखाओ, बाघ दिखाओ, लायन दिखाओ, टाइगर दिखाओ, इस तरह से जो भी आप कहोगे तो आपके चश्मे में दिखने यानी गूगल ग्लास में दिखने लगेगी। तो ये एक वॉइस कंट्रोल्ड वियरेबल
आई ग्लास होता है, ठीक है, जो आंखों में पहना जाता है, चश्मे की तरह है। ऑफर्स एन ऑगमेंट रियलिटी एक्सपीरियंस बाय यूजिंग विजुअल ऑडियो एंड लोकेशन बेस्ड इनपुट टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये जो है आपको देखिए लोकेशन भी बता देती है, जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे पहने हुए खड़े हुए हैं तो आपको बता देगी, आपको जाना है यदि कानपुर तो वो बता देगी कि इस साइड चलो, इस साइड चलो, और आपको बिल्कुल ऑगमेंट रियलिटी दिखाता है, एक्सपीरियंस कराता है, यानी कि बिल्कुल एकदम असली लगेगा आपको, चूंकि पहन लोगे ना एकदम मतलब वर्चुअल रियलिटी, जैसे वीआर जो ग्लास होते हैं ना उस तरह से काम करता है, और बढ़िया एकदम आपको मजा आ जाएगा कि अलग ही दुनिया में हो ना, जिस तरह से इसको लग रहा है। तो यहाँ पे लोकेशन भी आपको दिखा सकती है इसको पहनने के बाद, मतलब आपको ऐसा लगेगा, तो जैसा लगेगा वो आप देखिए। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, ये इंडिया में शायद जो है नहीं डिलीवर होते हैं, स्टार्टिंग में जो इसकी डिलीवरी थी वो अमेरिका में, और ये करीब करीब 80,000 के ऊपर स्टार्टिंग होती है, जैसा कि मुझे मैंने सर्च किया है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि कुछ भी हो सकता है। अब हम तीसरा जो आईटी गैजेट है उसको देखने वाले हैं। तीसरा आईटी गैजेट है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि पीडीए। ये पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ये तीसरा आईटी गैजेट है। इज ए हैंडल्ड कंप्यूटर, ये एक हैंडल्ड कंप्यूटर है जो उसको आप हथेली में आराम से रख सकते हो, हैंडल कर सकते हो। दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड, सॉरी हैंड हैंड, हाँ, तो ये जो ये देखिए पाम यहाँ पे लिखा है, जो आपकी हथेली पर आ सकता है, ऑफ योर हैंड, टू कलेक्ट सच इंफॉर्मेशन एज कॉन्ट्रैक्ट्स अपार्टमेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ये देखिए ज्यादातर ये जो है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आप बड़े मतलब पीए बीए नहीं जैसे होते हैं, तो आपको अपार्टमेंट लिखना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, कोई फाइल रखना है, कोई प्रोग्राम चलाना है, कोई भी अपार्टमेंट जैसे मान लीजिए आपको लिख कर रखना है, छोटी मोटी जो चीजें होती है, जैसे आपकी डायरी के तरीके से ये काम करता है, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें सारी चीजें हो जाती हैं और आपको याद रखने में आप अपने आराम से लेकर के चल सकते हो। पीडीए में आल्सो बी रिफर टू एज ए पाम टॉप, पीडीए को जो है पाम टॉप भी कह सकते हैं क्योंकि हथेली पे आ जाता है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम पॉकेट कंप्यूटर भी कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं चौथे चीज पर, ड्रोन। चलिए ड्रोन को अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजें कवर कर लेते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में हम रखेंगे ड्रोन, ठीक है। तो अभी ड्रोन को हम हटाते हैं और सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को खत्म कर लेते हैं। तो अब जो पांचवें नंबर पर है, हमने रखा है स्पाई पेन। स्पाई पेन क्या होता है, ये एक तरीके से जैसे भ्रष्टाचार आजकल हमारे इंडिया में बहुत ही बुरी तरीके से व्याप्त है, हालांकि सरकारें जितना भी आपको कहें कि भ्रष्टाचार नहीं है, हर जगह व्याप्त है, आज भी व्याप्त है, हर जगह देखने को आपको भ्रष्टाचार मिल ही जाता है। तो भ्रष्टाचार में क्या होता है कि मान लीजिए आपने पैसे दिए, रिश्वत दी, अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक पेन चाहिए, तो ये स्पाई पेन होता है। स्पाई का मतलब होता है चुपचाप, मतलब एकदम चोरी से देखने वाला, मतलब एकदम नजर है ना। तो स्पाई पेन क्या होता है, स्पाई पेन इज एन ऑर्डिनरी पेन विद अ हिडन डिजिटल कैमरा, इसमें एक चुपचाप से एक कैमरा लगा होता है इस पेन में, जो छिपा होता है इस पेन में, ठीक है, इस पेन में कैमरा लगा होता है, इस पेन को आप आराम से जब जेब में लगा लीजिए, आराम से रिश्वत दीजिए जाकर के, आराम से उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, आराम से उसका वीडियो बनाओ, आराम से उसको जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के रिकॉर्डिंग आप उसको अपने प्रूफ के तौर पर दे सकते हो। हालांकि जो अपने इंडिया में एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, उसके लिए भी कुछ नियम है कि आपने जहां पर रिकॉर्ड किया हो उसी में हो, यदि आपने किसी दूसरे में भेजा तो उसमें टेम्परिंग के चांसेस रहते हैं। और जो एविडेंस एक्ट अपना है तो वीडियो पे ज्यादा या ऑडियो पे ज्यादा जो है बिलीव नहीं करता है, यदि आपने एक फोन से दूसरे फोन में कर दिया तो आपका सेकेंडरी माना जाएगा एविडेंस। हालांकि ये मैं यहाँ पे ला नहीं पढ़ा रहा हूँ, खैर छोड़िए। हाँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हिडन डिजिटल कैमरा होता है इस पेन में, ठीक है, और जो छिपा रहता है इस पेन में, अलाउंग द यूज टू टेक कन्वर्ट वीडियो, यहाँ पे वीडियो आप ले सकते हो। ऑप्टन विद द पेन प्लेस्ड इन अ शर्ट पॉकेट आर हेल्ड इन द हैंड, इसको आप हाथों में रख सकते हो या फिर शर्ट में लगा सकते हो, आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग करो। अगला जो हमारा आईटी गैजेट है वो टैबलेट। टैबलेट तो अपना एक स्मार्टफोन का ही दूसरा रूप है, बस इसमें आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी इस टाइप की हो जाती है, जबकि यानी कि इसमें जो स्क्रीन आपकी है वो लैंडस्केप मोड में ज्यादातर हो जाती है, जबकि आपका जो फोन होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, ठीक है, बस इतना थोड़ा फर्क है और उसमें कोई ज्यादा हुआ नहीं है। तो जो चीजें फीचर स्मार्टफोन में होते हैं वही चीज टैबलेट में होती है। अब यहाँ पे आ जाइए अगले आईटी गैजेट्स है, लैपटॉप एंड नोटबुक। तो लैपटॉप और नोटबुक के बारे में मुझे लगता है आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज जो है नोट कर सकते हो, स्मॉलर देन टुडे द मोस्ट एम्पावर्ड स्टाइल हार्ड ऑफ। हाँ, तो इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हो कि लैपटॉप का जो आविष्कार है वो एलन कोय ने किया था, एलन कोय ने किया था लैपटॉप का आविष्कार, इन्वेंटेड, ठीक है, और कोई ज्यादा इसमें कुछ खास है ही नहीं, बाकी चीज आप पढ़ सकते हो और लैपटॉप को अच्छे से जानते हो। चलिए बता देते हैं, नोटबुक इज एन एक्सट्रीमली लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर। नोटबुक जो है पर्सनल कंप्यूटर का एक टाइप है जो बहुत ही हल्का, लाइट वेट। नोटबुक कंप्यूटर्स टिपिकली वेट लेस देन 6 पाउंड्स एंड आर स्मॉल इनफ टू फिट इजली इन ब्रीफकेस।
नोटबुक वो होती है जो कंप्यूटर टाइप की हो और जिसका वेट जो है 6 पाउंड 6 पाउंड से कम हो और स्मॉल हो, बहुत ही छोटी हो, जो फिट हो चुक सके आराम से आपके ब्रीफ केस में। नोटबुक कंप्यूटर यूज ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स नॉन एज फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी। नोटबुक जो होती है वो फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है टू प्रोड्यूस लाइट वेट, जो फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी जो है इसको लाइट वेट कर देती है और नॉन बल्की कर देती है डिस्प्ले स्क्रीन को, मतलब डिस्प्ले आई भी नहीं लगती है और लाइट वेट बहुत ही हो जाता है। आ लैपटॉप इज ए स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप जो है एक स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर है, स्मॉल इनफ देन दैट इट कैन सिट ऑन लैप, ये इतना छोटा होता है जो आपके गोद में आराम से आ सकता है और इसका आविष्कार एलन कोए ने किया था। खैर अब यहाँ पे हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे, जो हमारा है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन क्या होते हैं इस पे हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है सिक्योरिटी से इंडिया के जुड़ा हुआ है और इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ा रहे थे और ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम शुरू करें, उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको हमारी जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक को आप परचेज कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए इस बुक को जरूर एक बार चेकआउट करें, बहुत ही सस्ती और चीप है। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये भी आईटी गैजेट्स का है उदाहरण, लेकिन हम यहाँ पे आईटी गैजेट्स के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी को कुछ विशेष तरीके से ही समझेंगे। तो हु इन्वेंटेड, चलिए ड्रोन पे बात कर लेते हैं। तो हु इन्वेंटेड ड्रोन, एट प्रेजेंट टाइम इट इज सो इजी टू ट्रैक समवन बिकॉज ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन जो है आजकल यदि देखा जाए तो किसी को भी ट्रैक करना हो ड्रोन बहुत ही अच्छी चीज है। अब आप कहोगे ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी, हेलीकॉप्टर थे, एरोप्लेन भी थे, लेकिन उसमें क्या था आदमी बैठना पड़ता था ना, उसमें कोई चलाए तब जाकर वो उड़ेगा और मान लो कोई हादसा हो गया तो फिर ट्रैक करना आपको महंगा पड़ जाएगा। तो उसके लिए ड्रोन है जिसमें आपको खुद नहीं सवार होना है, वो खुद जहां पे चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो और जहां पाओ उसकी निगरानी कर सकते हो, किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की। ठीक है, तो किसी को भी ट्रैक करना हो ठीक है तो ड्रोन इनफ। ठीक है, तो अब चलिए यहां पे बात कर लेते हैं ड्रोन विच, यदि ट्रैक करना हो संबन ठीक है तो ड्रोन विच स्पेशली मेड फॉर मिलिट्री पर्पज, ये जो है शुरुआत में जो है मिलिट्री पर्पज के लिए बनाए गए थे, यानी कि आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए, तीनों सेना में से कोई भी हो सकता है, मिलिट्री पर्पज के लिए बनाए गए थे। इट्स ट्रू थैट्स हैव अ डीप डिजायर ऑफ फ्लाइट, यानी कि बढ़िया लंबी डिजायर जो है इच्छा के फ्लाइट के लिए हमें जो है इस ड्रोन की जरूरत पड़ती है। दे आर क्यूरियस टू नो अनहर्ड अनटोल्ड फैक्ट्स ऑफ द स्काई, फॉर दैट दे आर ऑलवेज रेडी फ्लाई इन द स्काई, ये हमेशा अपने आसमान में उड़ने के लिए रेडी रहते हैं। हालांकि अभी इसका ओवरव्यू दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ। एंड सी दिस अर्थ फ्रॉम हाइट्स, ये धरती से कुछ ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ही ऑलवेज हैज डन हार्ड वर्क फॉर दैट एंड वी कैन से दैट दे हैव ऑल्सो फाउंड सक्सेस इन दिस एंडेवर। चलिए यहाँ पे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की इन्वेंशन के बाद बाई राइट ब्रदर्स, आपको पता हो राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एयरक्राफ्ट बनाए थे जो 1903 में बनाए गए थे एयरक्राफ्ट। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट बनाए गए थे राइट ब्रदर्स के द्वारा 1903 में बनाए गए थे। ठीक है, जब से हेलीकॉप्टर या फिर एयरप्लेन ये सब जो चीजें हैं, ये सबसे पहले उड़ने वाली चीज ये जो राइट ब्रदर्स के द्वारा एयरक्राफ्ट जो है 1903 में बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यदि इंडिया में बात की जाए तो यह जो इतिहास है वो बताता है कि 1885 तरफ तो इंडिया में ट्राई हो रहा था मुंबई में, हालांकि इसके कोई साक्ष्य बहुत मजबूत नहीं है तो भी इसलिए नहीं है, लेकिन बताया जाता है इंडिया में पहले से था। खैर मैं हिस्ट्री पे नहीं जाता हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्ल्ड पे। तो इन्वेंशन जो ऑफ एयरक्राफ्ट बाय राइट ब्रदर्स इन 1903 माना जाता है। मैन स्टार्टेड मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंटल इन एरियल व्हीकल्स, यानी कि हवाई जो उड़ने वाले वाहन है उसमें लोगों ने जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एयरक्राफ्ट वॉज मेड अप सर्व मिलिट्री, शुरुआत में जो है ये मिलिट्री के लिए बनते थे। द पर्पज वॉज टू डिटेक्ट द टारगेट्स फ्रॉम हाइट्स विच इज स्टिल सेफर देन द लैंड्स। सिमिलरली ड्रोन वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड फॉर मिलिट्री पर्पज, ये वही बात है मिलिट्री पर्पज के लिए। इट हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर द मिलिट्री एक्टिव एविएशन, मिलिट्री ऑफ एविएशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। हाउएवर एज ऑफ नाउ इट इज इसेंशियल, इस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सिविल लाइफ, और आजकल देखा जाए तो ये सिविल लाइफ जैसे कि आम आदमी के जीवन के भी कुछ, जैसे आजकल देखते हो लोड़े लपाड़े जो है खरीद लेते हैं। ठीक है, इट इज यूजिंग इन वेरियस फील्ड, ये बहुत प्रकार की फील्ड में उपयोग होता है, कोई मिलिट्री में नहीं आज के समय में। बट बिफोर डाइव डीप इनटू डीप डिस्कशन फर्स्ट लेट्स सी द इन्वेंटर ऑफ ड्रोन, हमें जो है इनके इन्वेंटर के बारे में सबसे पहले बहुत ही डिटेल में समझना चाहिए कि इन्होंने कैसे इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को आविष्कार किया। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो ड्रोन जो है सबसे पहले आविष्कार किया गया था
एरियल मैं सॉरी अब्राहम कैरम के द्वारा, ये अब्राहम कैरम है ठीक है, अब्राहम कैरम इन्होंने पूरी जिंदगी एयरफोर्स में ही काम किया, यानी कि जिस भी देश में ये गए उस देश को जो है इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन के बारे में रिसर्च की, ड्रोन के बारे में साइंस टेक्नोलॉजी को इन्होंने समझा, उसी देश को जो है ड्रोन उपलब्ध कराए और उन्होंने ड्रोन पे ही काम किया उस देश में, जिस देश में भी गए सबसे पहले ये इजराइल में रहे। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। द जीनियस एंड इनोवेटिव माइंड बिहाइंड द प्रेडेटर आर ड्रोन इज अब्राहम ई द कैरम। तो ड्रोन जो आजकल आप देखते हो इसके पीछे जो एक जीनियस माइंड है और जीनियस एंड इंडोमेटिव माइंड है वो है अब्राहम ई कैरम का। ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ यूएवी टेक्नोलॉजी। ये जो है यूएवी टेक्नोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, पिता कहा जाता है इन्हें, यूएवी टेक्नोलॉजी। यूएवी टेक्नोलॉजी जो है, यूएवी का मतलब होता है अनमैंड एरियल व्हीकल्स, यानी कि अनमैंड का मतलब है जिसमें कोई आदमी ना बैठा हो, जिसमें कोई ह्यूमंस ना बैठा हो। एरियल का मतलब है हवाई, व्हीकल्स माने वाहन, यानी कि मानव रहित हवाई वाहन, ऐसे आप समझ सकते हो। तो यूएवी टेक्नोलॉजी का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, इसी से यूएवी टेक्नोलॉजी बेस्ड जी हुई ड्रोन बनते हैं। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं। अब्राहम वाज बॉर्न इन 1937। अब्राहम का जो जन्म है वो 1937 में हुआ था। ही वाज बॉर्न इन बगदाद। ये जो है बगदाद में जो है जन्म इनका हुआ था, बगदाद में जो इराक की राजधानी है। आफ्टर फ्यू ईयर्स हिज फैमिली शिफ्टेड टू इजराइल। कुछ साल बाद इनकी फैमिली जो है इराक से इजराइल चली गई। इजराइल आप जानते हैं फिर कौन है ना, तो वहीं पे वेयर ही ग्रीव अप एंड टुक हायर एजुकेशन, वहीं पे उन्होंने हायर एजुकेशन ली इजराइल में। फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही हैड ए डीप पैशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बचपन से उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जुनून था। When he was just 14 years old, जब वो केवल 14 साल के थे, he made the aircraft model, वो aircraft के model बनाते थे, बनाए, aircraft के model बनाए। He had a garage in his home where he ran experiment, उनके घर में एक garage थी जहाँ पे वो अपने experiment चलाते रहते थे। Furthermore, due to his passion in science and aerial vehicles, science और हवाई वाहनों में interest के कारण, he graduated in aeronautics, इन्होंने जो है अपनी स्नातक जो है aeronautics में complete की। He was made of his first drone for Israel Air Force during the time of World War. विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने इजराइल के लिए, इजराइल एयर फोर्स के लिए ड्रोन बनाया, पहला ड्रोन बनाया ठीक है, फर्स्ट ड्रोन इन्होंने अपना इजराइल के लिए बनाया, इजराइल एयर फोर्स के लिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध के समय। ही इमिग्रेटेड टू द कैलिफोर्निया, उसके बाद ये जो है कैलिफोर्निया चले गए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में है। 1970 में ये कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, पहले इराक थे, इराक से इजराइल गए, इजराइल में इन्होंने पहला ड्रोन बनाया इजराइल एयर फोर्स के लिए वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार के दौरान। उसके बाद ये कैलिफोर्निया चले गए 1970 में। इब्राहिम में है लिव्ड इन एनी कंट्री बट ही ऑलवेज सर्व्ड द एयरफोर्स ऑफ दैट कंट्री। देखिए ये जो है कई कंट्री में गए और जिस भी कंट्री में गए उसकी एयरफोर्स को इन्होंने सर्व किया विद हिज नॉलेज एंड इनोवेशंस, अपने नॉलेज और आविष्कार के द्वारा। अब्राहम्स इन्वेंशन वाज मोस्ट फेमस एंड लेस विद एडवांस टेक्नोलॉजी, इनकी जो है मोस्ट बहुत ज्यादा फेमस एंड लेस टेक्नोलॉजी, इट वाज यूज्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इटालियन एयरफोर्स। यूनाइटेड स्टेट्स और इटालियन एयरफोर्स में भी इन्होंने जो है सर्विस दी। अंबर वाज हिज फर्स्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रोन, अंबर जो है इनका जो है बहुत ही जटिल ड्रोन था ठीक है, और पहला अंबर उसका नाम था, अंबर वाज फर्स्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही जटिल ड्रोन जो है अंबर था। विच वाज द मोस्ट फेमस प्रेडेटर ड्रोन, जो एक बहुत ही मतलब फेमस प्रेडेटर ड्रोन था इनका, अंबर वाज द, अंबर जो है इनका पहला बहुत ही जटिल ड्रोन था जो बहुत ही फेमस हुआ। बिकॉज ऑफ हिज इन्वेंशन अंबर, अपने आविष्कार अंबर के द्वारा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ड्रोन। यहाँ पे सवाल बन सकता है कि अपनी किस खोज के कारण इनको फादर ऑफ ड्रोन कहा जाता है, तो इनकी खोज थी अंबर, अंबर वाज हिज फर्स्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रोन विच वाज द मोस्ट फेमस प्रेडेटर ड्रोन। प्रेडेटर का मतलब होता है दरिंदा ड्रोन ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए हटाओ, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ वाज इन्वेंट ड्रोन, ड्रोन कैसे आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, ड्रोन जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है रोबोटिक ड्रोन, एक होता है यूएवी ड्रोन। यूएवी देखिए टेक्नोलॉजी का ही नाम है, रोबोटिक ड्रोन विद ड्रोन होते हैं,
जिस देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ड्रोन जो है आविष्कार कैसे हुए। आफ्टर द इनोवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, इनोवेशन की एयरक्राफ्ट की इनोवेशन के कारण दीज एयरक्राफ्ट हुआ वाइडली यूज फॉर मिलिट्री पर्पज, बट दियर वॉज ऑल्सो ड्रॉबैक विद एयरक्राफ्ट। देखिए जैसे ही एयरक्राफ्ट डिजाइन एयरक्राफ्ट बनना स्टार्ट हुए तो एयरक्राफ्ट को मान लीजिए किसी की जासूसी करनी है तो एयरक्राफ्ट में यदि हम किसी को बैठा के भेजेंगे तो पहली तो आवाज होगी बहुत तेज, अब पता चला वहां पे कोई मतलब कुछ घटना होगी तो वो फिर टूट टट जाएगा और उसमें जो है जान भी जाएंगे। तो इसका एक ये मतलब ड्रॉबैक था, एक खामी थी एयरक्राफ्ट की, तो इसको दूर करने के लिए मतलब आदमी जिसमें ना बैठे तो उसके लिए ड्रोन लाए गए, ठीक है। बट द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट वर हाई ड्यू टू एनी टेक्निकल फॉल्ट एंड एयरक्राफ्ट फायर ड्यू टू हाई विंड प्रेशर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है एयरक्राफ्ट में या फिर हाई विंड प्रेशर के द्वारा आग भी लग सकती है एयरक्राफ्ट में, तो इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के एयरक्राफ्ट में। लेकिन ड्रोन ऐसा है जिसमें आपको कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पे मरेगा कौन, कोई नहीं मरेगा। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरेगा नहीं, मतलब यहाँ पे गिरे अगर कोई खतरनाक ड्रोन है तो नुकसान कर सकता है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है, मतलब कुल मिलाकर इतना है कि उसमें कोई बैठता नहीं है इससे मतलब है। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग सच एक्सीडेंट देयर वाज अ रिस्क टू हवात लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट में लॉस ऑफ लाइफ है और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन ड्रोन में ऐसा कुछ भी नहीं, ड्रोन दो तरह के होते हैं, रोबोटिक ड्रोन जिसमें कोई भी मानव नहीं बैठता है, दरअसल वो रोबोट के द्वारा चलाया जाता है, रोबोट जो रोबोट है उसको चलाते हैं ड्रोन को, तो रोबोटिक ड्रोन कुछ इस तरह के होते हैं। दूसरा ड्रोन होता है यूएवी ड्रोन, यूएवी ड्रोन होते हैं अनमैंड एरिकल व्हीकल्स, इसका मतलब ये होता है मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, जिसमें आदमी नहीं बैठता है, ये रिमोट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। समझ गए होंगे दो तरह के ड्रोन होते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अब्राहम्स अचीवमेंट, अब्राहम जिन्होंने ड्रोन बनाया था उनकी कुछ अचीवमेंट है वो देख लो। अब्राहम वॉज द मैन हु क्रिएटेड प्रीडेटर एंड रोबोटिक प्लेन्स, अब्राहम थे जिन्होंने प्रीडेटर बनाया और रोबोटिक प्लेन बनाए, कैरम इन्हीं का नाम है, ठीक है, अब्राहम कैरम, एंड कैरम एंड हिज टीम डिड सो मैनी इन्वेंशन, इनकी टीम ने बहुत ज्यादा इन्वेंशन की और इन्होंने भी की। इन 2010 अब्राहम कैरम गॉट द ऑनर टू इलेक्ट एज द मेंबर ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में जो है इनको इलेक्ट किए गए, चुने गए। नाउ ही इज प्रीडेटर हैज केप्ट इन द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम फॉर डिस्प्ले। और जो उनका प्रीडेटर था, जो दरिंदा मतलब ड्रोन है, तो उसका जो है म्यूजियम में रखा गया है देखने के लिए, कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम फॉर डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस ड्रोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रोन्स आर टू एडवांस नाउ, ड्रोन जो है अब बहुत ज्यादा अत्याधुनिक हो चुके हैं। इट इज लैस्ड विद माइक्रो प्रोसेसर, ये आजकल लैस होते हैं यानी कि ग्रस्त होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर क्यों यहाँ पे जरूरी है ड्रोन में, माइक्रो प्रोसेसर ड्रोन में इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्रोन वैसे भी छोटे होते हैं, आपने देखा होगा छोटे होते हैं, और माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, और जहाँ पे मतलब तेज गति से हमें जो है ऑपरेशन चलाने हो और वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का काम होगा ही होगा, वो फास्ट स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है कैलकुलेशन करने के लिए आदि इत्यादि के लिए। नेविगेशन टेक्नोलॉजी होती है, आजकल के एडवांस जो ड्रोन आते हैं उसमें नेविगेशन टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि आपको इंगित करेगा कि कहाँ पे मतलब किधर जाए किधर ना जाए, दिशाएं बताता है, नेविगेशन सिस्टम होता है कि आप वहां से कितनी दूर हो कितने रेंज में हो आदि इत्यादि। डिजिटल एंड रिमोट फ्लाइट कंट्रोलिंग, ये जो है आजकल रिमोट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं सिस्टम। हाई डिफिनेशन एंड वाइड रेंज कैमरा, यहाँ पे DSLR कैमरा अगर हम लगा दें ड्रोन में, आजकल लगे ही होते हैं एडवांस ड्रोन में, तो उसमें जो है हम वाइड रेंज देख सकते हैं कैमरा के द्वारा, बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ऊपर से देख सकते हैं टंगे टंगे। ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे देखिए हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, ब्रॉड बैंड सिस्टम होता है, यानी कि जैसे एयरटेल का लगा दिया ब्रॉड बैंड, कनेक्ट करो आराम से चलाओ, नीचे के सिग्नल ऊपर भेजो, ऊपर के सिग्नल नीचे लियो, इनपुट लियो आउटपुट लियो ब्रॉड बैंड के द्वारा। इंजन होता है वो तो जरूरी होगा, सेटेलाइज्ड मिसाइल्स, दैट्स वाई इन टूडेज टाइम हैविंग दिस टेक्नोलॉजी शोज द प्रोग्रेस ऑफ दैट कंट्री एंड स्ट्रेंथ ऑफ दियर आर्म्ड फोर्स। किसी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी का होना उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है और उसकी ताकत को दिखाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। देखिए मैं आपको एक चार शब्द बता देता हूँ, मिली
हालांकि बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। मिली माइक्रो नैनो नैनो और पिको, ये देखिए जो है लंबाई के नापने के माप यूनिट होती हैं। तो मिली जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, माइक्रो जो होता है वो उससे छोटा होता है, नैनो जो होता है वो उससे छोटा होता है, पिको जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे जो है माइक्रो टेक्नोलॉजी के बाद आती है नैनो टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी से भी बढ़िया होती है, ठीक है। बिकॉज ड्रोन आर वेरी स्मॉल, देखिए जितनी ज्यादा बढ़िया ड्रोन बहुत छोटे होते हैं, उसमें कोई भी कंपोनेंट है उसको बहुत छोटा रखना है, उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ही छोटे छोटे चीजों में बनाना पड़ेगा, नैनो मटेरियल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी माइक्रो टेक्नोलॉजी की बात आती है, मिली माइक्रो नैनो पिको। यूजेज ऑफ ड्रोन, ड्रोन के यूजेज क्या है, फ्रॉम मिलिट्री पर्पज टू चिल्ड्रंस ड्रोन, मिलिट्री पर्पज से लेकर के बच्चों के खिलौने तक, ड्रोन हैव मेड देयर प्लेसेस एवरीवेयर, ड्रोन जो है हर जगह होते हैं। देयर आर सेवरल यूजेज ऑफ ड्रोन्स आर गिवन बिलो, ड्रोन्स आर ऑलवेज आल्सो यूज फॉर सेवरल सिविल पर्पजेस, ड्रोन जो है आजकल बहुत सारे सिविल पर्पज के लिए उपयोग किए जाते हैं। ड्रोन शूटिंग इज वेरी कॉमन एट प्रेजेंट टाइम, जैसे कि फिल्मों में देखा जाए तो ड्रोन के द्वारा ही शूटिंग होती है, ठीक है। शूटिंग फिल्म इंडस्ट्रीज, देखिए वही चीज आ गई, सिनेमेटोग्राफी, जैसे मान लीजिए कोई जैसे कारें लॉन्च होती हैं तो उसकी सिनेमेटोग्राफी एकदम जो है मतलब मूवी है, मतलब पिक्चर लेना या फिर कहीं पे आप घूमने जाओ तो वहाँ पे जगह सिनेमेटोग्राफी, यदि सिनेमेटिक आपको वीडियो लेना है तो उसके लिए ड्रोन बहुत बढ़िया फायदेमंद रहते हैं। जहाँ पे मान लीजिए आपको कैमरा ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे आप ड्रोन भेज सकते हो, बढ़िया फोटोशूट कर सकते हो। फोटोशूट में, ट्रैवल ब्लॉग्स में, देखिए वही चीज आ रही है, और ऑल आर शूट बाय ड्रोन्स। ड्रोन हैव आल्सो मेड दियर वे इनटू चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने में ले लो वो भी ड्रोन, जैसे कि हवाई जहाज जो आजकल बच्चों के आते हैं तो उसमें भी ड्रोन का तरीके से मान सकते हो क्योंकि उड़ते हैं। देयर आर सो मेनी ड्रोन टॉयज आर अवेलेबल इन द मार्केट, ड्रोन खिलौने आजकल ज्यादातर आते हैं, ठीक है। ड्रोन आर आल्सो यूज फॉर इट इच यूज बाई नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, NSA, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, सेंट्रल सिक्योरिटी के द्वारा, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के द्वारा, फॉर सर्विलांस विच इज इसेंशियल एक्टिविटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ नेशन, इसके लिए भी जो है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए इसके यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ड्रोन से कहीं निगरानी रखनी है कि कहीं पे दंगा वाली जो चीजें होती है वहां पे ड्रोन से निगरानी रखी जाती है, तो ये सारी एजेंसी जो होती है, जो बड़ी सुरक्षा एजेंसी होती है किसी भी देश की, वो सारी इसका यूज अवश्य लेती है। Drones are very helpful at the places where human life cup is in danger. जहाँ पे जो आदमी की जिंदगी जहाँ पे डेंजर में आ जाती है वहीं पे ड्रोन हमारी सहायता करते हैं। टेररिस्ट एक्टिव रीजन्स एंड एट वेरी हाई प्लेसेस वेयर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर मैन टू रीच, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें शक है कि यहाँ पे आतंकवादी छिपे हुए हैं, वहाँ पे ड्रोन उड़ा दो तो कोई मरेगा ही नहीं, आराम से देख लो जाके कहाँ चल रहा है, है ना। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, देखिए ड्रोन यदि आए हैं तो इसको मारने के लिए भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो इसको यदि हम ड्रोन को मारने का कहें तो इसको हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। चलिए अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हम देख लेते हैं कहाँ है कि ऐसे काम करती है। नाउ फ्यू कंट्रीज आर यूजिंग ड्रोन फॉर रॉन्ग एक्टिविटीज, आजकल जो देश हैं वो काफी गलत एक्टिविटी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं, आप हमारी ये बुक जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप चेकआउट जरूर करें डिस्क्रिप्शन में। तो ड्रोन, सम कंट्रीज आर यूजिंग ड्रोन टू अटैक अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री पे अटैक करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान के लिए लिया जाए, इंडिया के लिए। फॉर ट्रैफिकिंग ड्रग इलीगली एंड ऑल्सो यूजिंग फॉर एक्सप्लोसिव कैरियर्स, जैसे कि ड्रग की सप्लाई के लिए अवैध तरीके से, इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। और एक्सप्लोसिव कैरियर्स, सो एट प्रेजेंट दीज मिनी ड्रोन्स आर द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी मिलिट्री फोर्स, इसलिए आजकल ये ड्रोन बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी मिलिट्री फोर्स के लिए। द थ्रेट ऑफ ड्रोन अटैक्स फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज इंक्रीजिंग, पड़ोसी मुल्कों से जो है ड्रोन का जो अटैक है वो बढ़ रहे हैं। दे सेंड एक्सप्लोसिव मटेरियल फ्रॉम ड्रोन्स एंड यूज्ड इन ट्रैफिकिंग ड्रग्स, ड्रग्स के लिए, तस्करी के लिए, और एक्सप्लोसिव मटेरियल, जैसे कोई मतलब एक्सप्लोसिव जो जिसमें आग लग जाए, मतलब विस्फोट हो जाए, उस तरह के एक्सप्लोसिव भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ड्रोन थ्रू द रडार, ड्रोन बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए इनको रडार के द्वारा डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है,
और इफ यू विल ट्राई टू डिटेक्ट सच मिनी ड्रोन्स इन द रडार सिस्टम देन देयर विल बी अ ड्रॉबैक। यदि ड्रोन जो है रडार में आ जाएंगे तो ये एक ड्रोन की भी कमी हो जाएगी कि फिर ड्रोन का आएगा फालतू में मतलब का। देन देयर विल बी अ ड्रॉबैक, रडार सिस्टम विल डिटेक्ट द बर्ड्स आल्सो बिकॉज द साइज ऑफ बॉथ इज क्वाइट सिमिलर। So far or overcoming such terrible problem, every country trying to develop the, देखिए इन सारी प्रॉब्लम के चलते हुए हर कंट्री जो है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी डेवलप करने का ट्राई कर रही है। ठीक है, किसी के पास है, किसी के पास अभी नहीं है। फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का? इन फ्यूचर एवरी कंट्री इज फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर लॉन्चिंग मोर एडवांसेस ड्रोन टेक्नोलॉजी। हर कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अदर बहुत ही मतलब एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रही है। नैनो टेक्नोलॉजी इज आल्सो इन्वेस्टिंग फॉर मेकिंग मिनी ड्रोन्स। छोटे बहुत ही ड्रोन यदि आपको बनाने हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी ही चाहिए। दिस इज द वेरी फैक्ट दैट नाउ इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, यह समय टेक्नोलॉजी का है। द पावर ऑफ नेशन इज मेजर बाई इट्स टेक्निकल ग्रोथ। किसी भी राष्ट्र की पावर, किसी भी राष्ट्र की ताकत उसकी टेक्निकल ग्रोथ के में मापी जाती है कि उसके पास कितने शक्तिशाली है, कितना टेक्नोलॉजी उसके पास एडवांस है। इन द कमिंग टाइम्स द वार्स विल नॉट बी फॉट बाई ह्यूमंस। आने वाले समय में जो युद्ध हैं वो मानव के द्वारा नहीं लड़े जाएंगे, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा लड़े जाएंगे। टेक्नोलॉजी विल फाइट विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी से लड़ेगी। यही चीज़ है कि इजराइल के पास एक बहुत ही मतलब इजराइल ही नहीं मतलब इजराइल जैसे छोटा सा देश जो कि अपने टेक्नोलॉजी के दम पर सबको टक्कर दे देता है, ये इस बात का सबूत है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं जिस बुक से मैं पढ़ा रहा था उस बुक को यदि आप परचेज करना चाहो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेकआउट करें।